हेलो, मैं सदेव सर। आज आप लोगों को पढ़ाएंगे सवाल नंबर 15, 16, 17, 18, जिसमें से सिर्फ 15 ही बनाएंगे। इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि 16 आपको बनाना है। बड़ा सवाल है, टाइम लगेगा बनाने में, इसलिए 16 आप लोग बनाइएगा, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे, ठीक है। इसको ध्यान से समझिए, इसको इतना मान सिद्ध करना है, ठीक है। तो ए क्यूब पहले ही है, तो पहले ए स्क्वायर निकालते हैं हम। तो ए स्क्वायर के लिए क्या होगा, ए गुना ए मान रखा जाए, एक एक दो, एक दो है ना, है गुना, फिर इसको लिखेंगे एक एक दो, एक दो माइनस वन, एक माइनस तीन, तीन। अब गुना कीजिए, पहला को पहला कलम से, एक गुने एक जोर एक गुने एक जोर एक गुने दो हो गया। अब यहाँ इसमें आइए, एक गुने एक जोर दो गुने एक जोर माइनस तीन गुने दो, फिर इसमें आइए, दो गुने एक जोर माइनस एक गुने एक जोर तीन गुने दो। पहला कलम खत्म हो गया। अब दूसरा में आइए, एक गुने एक जोर एक गुने दो जोर एक गुने माइनस एक हो गया। अब आराम से लिखिए, एक गुने एक जोर दो गुने दो जोर माइनस तीन गुने माइनस एक, ठीक है। उसके बाद इसको, दो गुने एक जोर माइनस वन गुने दो जोर तीन गुने माइनस वन हो गया। अब इसमें तीसरा कलम से, एक गुने एक जोर एक गुने माइनस तीन एक गुने तीन है ना, है। अब इसमें आइए, एक गुने एक जोर दो गुने माइनस तीन जोर माइनस तीन गुने तीन। उसके बाद इसमें आइए, दो गुने एक जोर माइनस एक गुने माइनस तीन जोर तीन गुने तीन, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट हो गया। अब चलिए, अब इसको जोड़ते हैं। एक में एक से गुना होगा तो कितना होगा, एक, फिर एक में एक गुना होगा एक जोर दो, फिर एक प्लस दो माइनस छः, फिर यहाँ दो माइनस एक प्लस छः। इसमें आइए, एक प्लस दो माइनस एक, फिर इसमें गुना होगा तो एक प्लस चार प्लस तीन होगा, दोनों माइनस में है। चलिए यहाँ पर, चलिए दो माइनस दो होगा और माइनस तीन। इसमें आइए, एक माइनस तीन प्लस तीन, इसमें आइए एक माइनस छः माइनस तीन तरीके नौ, दो प्लस तीन प्लस नौ है ना होगा। तो ए स्क्वायर का हम लोग का मान हो जाएगा, अब यहाँ जोड़िए, दो एक तीन है एक चार हो गया, और दो है एक तीन, छः में से तीन जाएगा माइनस तीन। उसके बाद छः व दो आठ, आठ में से एक जाएगा सात, एक एक कट जाएगा कितना बच जाएगा दो, चार तीन सात है एक आठ, दो से दो कट जाएगा माइनस तीन, ये भी कट जाएगा एक, नौ छः पंद्रह में से एक जाएगा माइनस चौदह हुआ, और नौ तीन बारह दो चौदह, यह हो गया ए स्क्वायर का मान। इसको नोट कीजिए। अब निकालेंगे ए क्यूब, तो ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर गुना
ए, ए स्क्वायर का मान हमारा आया है 4 - 3 - 7 - 2 - 8 - 3 - 1 - 14 - 14 गुणा करेंगे 1 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 3 - 3 ठीक है। गुणा कीजिए 4 × 1 इस कलम से 2 × 1 + 1 × 2 ठीक है। अब इसमें आएंगे 3 × 1 + 8 × 1 - 14 × 2 ठीक है। अब इसमें गुणा करेंगे 7 × 1 - 3 × 1 + 14 × 2 ठीक है। अब चलिए इस कलम से 4 × 1 + 2 × 2 + 1 - 1 ठीक है। उसके बाद -3 × 1 + 8 × 2 - 14 - 1 उसके बाद 7 × 1 - 3 × 2 - 14 - 1 ठीक है। अब तीसरा कलम चलिए 4 × 1 + 2 - 3 - 1 - 3 फिर -3 × 1 + 8 × -3 - -14 × 3 फिर आइए 7 × 1 + 3 × -3 - 3 - 14 × 3 अब इसको गुणा कीजिए 4 हो गया 2 हो गया 2 हो गया -3 + 8 - 14 × 28 उसके बाद 7 - 3 - 14 × 28 4 × 2 = 4 - 1 -3 × 8 = 16 + 14 7 - 3 = 6 - 14 4 - 3 = 6 + 3 - 3 - 8 = 24 और -14 = 42 7 + 9 + 14 = 42 अब इसको जोड़ लेंगे ए क्यू का मान हमारा हो जाएगा 4 × 2 = 6 + 6 = 8 ये हो गया 28 × 3 = 31 31 में से 8 जाएगा कितना होगा 23 माइनस में होगा -23 इसको 7 × 3 = 4 28 × 4 = 32 4 × 4 = 8 - 8 = 7 16 × 4 = 14 = 30 30 में से 3 जाएगा 27
यही हो जाएगा 20, 20 में से 7 जाएगा माइनस 13, यही हो जाएगा 4 और 3 7, 7 में 6 हो जाएगा 1। इसको जोड़िए, 4 2 6 और 3 9, 4 2 6 माइनस में आएगा, ये हो जाएगा 7 और 9 16, 6 और 2 8 और 5 58, ये हो गया ए क्यू के मान। नोट कीजिए, अब हम लोग को मान किसका निकालना है, इसकी सहायता से अभी तो सिद्ध करना है ना जी। अब चलिए LHS, अभी तो सिद्ध करना है, ए क्यू माइनस 6A² प्लस 5A जोड़ 11I बराबर 0 सिद्ध करना है। चलिए अब मान रखिए, क्या करेंगे, ए क्यू का मान यहाँ लिखे हैं 8 - 23 - 32 - 7 - 27 - 13 - 1 - 69 - 58, उसके बाद घटाव है तो घटाव लिखिए 6A² का मान 4 - 3 - 7 - 2 - 8 - 3 - 1 - 14 - 14, 5A है तो 5 लिख दिए, A का मान 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 3 - 3, 11 है 11 लिख दीजिए, I का मान हो जाएगा 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 1, हो गया। अब चलिए फिलहाल इसको लिखिए 8 - 23 - 32 - 7 - 27 - 13 - 1 - 69 - 58, अब ये माइनस 6 है तो 6 से सब में गुना करेंगे, 6 6 7 42 6 2 9 12 8 6 48 36 18 6 हो जाएगा 14 6 कितना होगा 14 6 पढ़ा के पड़ जाता है 84, और यहाँ 84 हो गया, अब इसमें 5 से गुना कीजिए, 5 5 5 2 9 10 5 10 - 5 - 15 15, और इसमें 11 से गुना करेंगे 11 0 0 0 1 0 0 0 1, 11 होगा, हो गया जी। अब जोड़िए, पहला लीजिए 8 है 8 है, घटाव है तो घटाव लिख देंगे, 8 घटाव 24, फिर यहाँ कितना है जोड़ 5 और जोड़ 11, ठीक है। उसके बाद अब दूसरा में चलिए 7 जोड़ 12 घटाव 12, हाँ याद रखिए घटाव 12 जोड़ 5 जोड़ 0, फिर 1 जोड़ 1 घटाव 6 जोड़ 5 जोड़ 0, ठीक है। अब चलिए इसमें आइए -23 - 18 - 5 - 0, ठीक है। फिर एक और ले लेते हैं, यही जी 32 जोड़ 42 - 42
जोड़ 10 जोड़ 0, ठीक है। अब इसमें आइए 27 48 प्लस 10 प्लस 11, ठीक है। अब यहाँ आइए माइनस 13, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18 माइनस 5 प्लस 0। अब इसमें आइए माइनस 69 है, माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 84 माइनस 15 प्लस 0। उसके बाद 58 माइनस 84 प्लस 15 11 हो गया। अब क्या करते हैं कि इसको मिटका देते हैं, यहीं पर लिख देंगे तो काम हमारा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ सब जोड़िएगा तो हो जाएगा 11 5 16, 16 8 24, 24 घटाओ 24 हो गया, ठीक है। यहाँ पर प्लस होना चाहिए 18 5 23, 23 प्लस 23, यहाँ पर 32 10 42, 42 घटाओ 42, यहाँ पर 7 5 12, 12 घटाओ 12, यहाँ पर 27 11 38 10 48 हो जाएगा, 48 घटाओ 48, यहाँ पर 13 5 18, -18 + 18, अब यहाँ पर हो जाएगा 5 1 6 घटाओ 6, और यहाँ 69 15 84 हो जाएगा, -84 जोड़ 84, यहाँ पर 58 15 11, 84 होगा, प्लस 84 पहले लिखिए और -84, सब कट छट के कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 जब आएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 को ओ वाला से सूचित करते हैं, एक पार्ट सिद्ध हुआ। अब दूसरा पार्ट में चलते हैं, दिया है कि ए क्यू माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i बराबर 0। इसी के सहायता से ए इन्वर्स का मान हम लोग को निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं, सब में ए इन्वर्स से गुना कर दीजिए, तो ए इन्वर्स ए क्यू 6a² 5a² जोड़ 11i a इन्वर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसको जानकारी रखना चाहिए कि a इन्वर्स a बराबर i होता है, उसी पर सेटिंग करेंगे। इसको लिख देंगे a इन्वर्स a इंटू a² लिख देंगे, घटाओ इसको लिख देंगे a इन्वर्स a इंटू a, और ये हो जाएगा i हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, i से जितना में गुना होता है उतना ही होता है, a इन्वर्स हो गया बराबर 0, 0 से गुना करेंगे 0 आएगा। अब चले इसका भी मान i हो गया, इसका भी मान i हो गया, हो गया ये तो i से गुना करेंगे तो a² होगा, ये -6a + 5i + 11a इन्वर्स बराबर 0। अब 11a इन्वर्स का मान हम लोग निकालेंगे, अभी माइनस है ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 6a और -a² और -5i। अब इसका मान रखेंगे,
छ, ए का मान बोलिएगा, ए का मान एक एक दो था, एक एक दो, एक दो माइनस एक, एक माइनस तीन तीन, घटाव ए स्क्वायर का मान चार माइनस तीन सात, दो आठ माइनस तीन एक माइनस चौदह चौदह, माइनस पाँच आई, आई का मान एक जीरो 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 एक जीरो 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 एक है ना हुआ। अब क्या करेंगे हम, इसको मिटका देते हैं हम। अब गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा छ छ छ दुने के बारह, छ छ दुने के बारह माइनस छ, और फिर छ माइनस छत्री अठारह, छत्री अठारह हो गया। इसको लिखिए माइनस चार माइनस तीन सात, दो आठ माइनस तीन एक माइनस चौदह चौदह, घटाओ पाँच से गुना पाँच, जीरो 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 पाँच जीरो 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 पाँच हो गया। अब इसको जोड़िए घटाइए, छ माइनस चार माइनस पाँच, फिर यहाँ लिखिए छ प्लस तीन हो जाएगा माइनस जीरो, फिर बारह माइनस सात जीरो, ठीक है एक हो गया। फिर छ माइनस दो माइनस जीरो, बारह माइनस आठ माइनस पाँच, फिर माइनस छ प्लस हो जाएगा तीन माइनस जीरो, ठीक है। अब इसमें आइए, छ माइनस एक माइनस जीरो, माइनस अठारह प्लस चौदह माइनस जीरो, फिर नहीं ना हुआ। उसके बाद चार पाँच नौ, नौ में से छ गई माइनस तीन, ठीक है। और उसके बाद छ व तीन नौ, बारह में सात जाए पाँच, छ में से दो जाए चार, यही हो गए आठ पाँच तेरह, तेरह में से बारह गल माइनस एक, छ में से तीन जाए माइनस तीन, छ में से एक जाए पाँच, अठारह में से चौदह जाए माइनस चार, चौदह पाँच उन्नीस माइनस एक, यह किसका मान हुआ, ग्यारह ए इनवर्स का मान हुआ, ठीक है। तो ए इनवर्स का जब मान निकालेंगे तो भाग लगेगा, एक बटा कितना हो जाएगा ग्यारह, और इसको लिख देंगे माइनस तीन नौ पाँच चार माइनस वन माइनस तीन पाँच माइनस चार माइनस एक, अब जाके बजा ख़त्म हुआ, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, अब दो सवाल बच गया है, सत्रह और अट्ठारह, दोनों ऑब्जेक्टिव है, ध्यान से रखिए। देखिए कह रहा है कि यदि ए तीन गुना तीन कोटि का वर्ग अभी हो तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का मान ज्ञात करें। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि इसका सूत्र होता है कि इसकी अगर कोटि एन गुने एन हो, इसमें दिया है कितना तीन गुने तीन, तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर ए को कम कर देते हैं एन घटा वन, तो इसके कोटि कितना है तीन है, तो एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा दो, तो इस हिसाब से आंसर ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि यदि ए अठारह नंबर है, यदि ए कोटि का दो व्युत्करणीय अभिहु, व्युत्करणीय मतलब
नॉन सिंगुलर हो, यानी डिटरमिनेट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी इन्वर्स निकल जाएगा। तो डिटरमिनेट ऑफ ए इन्वर्स का, ए इन्वर्स मतलब होता है प्रतिलोम, उल्टा, उसको बटा कर दीजिए, इन्वर्स है, जब बटा करेंगे तो इन्वर्स नहीं रहेगा, डिटरमिनेट ऑफ ए रहेगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नोट कीजिए।